नमस्ते फ्रेंड, मैं हूँ लता और मेरे चैनल लता द फूड स्टार में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू टिक्की बर्गर। तो जब बच्चे जिद करें तो फटाफट से उन्हें ये रेसिपी बना के खिलाइए, आई एम श्योर उन्हें बहुत पसंद आएगा। आलू टिक्की बर्गर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू ले लिए हैं। इन्हें उबाल के मैंने 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब इसे कद्दूकस कर लेंगे। यदि आपके पास फ्रिज नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे अच्छे से ठंडा कर ले और उसके बाद आप इसे कद्दूकस कर लें, लेकिन इसे कद्दूकस करें, मैश न करें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च को बहुत बारीक कट करना है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने अदरक लहसुन को कद्दूकस करके डाला है, आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मटर। तो मैंने आधा कप हरी मटर यहाँ पे ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें, नहीं तो आप रहने दें। अब इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। फिर यहाँ पे मैं मसाले ऐड कर दूँगी। तो 2 टीस्पून मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे 2 मिनट के लिए। तो मैंने यहाँ पे देख रही हूँ कि मसाले जो है वो बहुत ज़्यादा सूख गए हैं, क्योंकि ऑयल बहुत कम डाला है मैंने। तो मसालों को पकाने के लिए मैं यहाँ पे बटर डाल रही हूँ। अगर आपको ज़रूरत हो तो ही आप बटर डालें या फिर ऑयल डालें, नहीं तो ना डालें। तो मसाले जो है वो अच्छे से भून गए। अब हम यहाँ पर कद्दूकस किए हुए आलू डाल देंगे। अब हम आलू को अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए इसे अच्छे से पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। मार्केट में जो आलू टिक्की होती है उसमें अक्सर चने की दाल भी मिलाई जाती है, तो आप चाहे तो चने की दाल भी डाल सकते हैं। सेम प्रोसेस होगा, बस जहाँ पे मैंने मटर डाली है वहाँ पे आपने चने की दाल डालनी है। उसके लिए आपने क्या करना है कि चने की दाल को पानी, नमक और हल्दी डाल के चने की दाल को पका लेनी है 15 मिनट के लिए गैस पर, जैसे हम नॉर्मल दाल पकाते हैं। फिर उसे जहाँ पे मैंने मटर ऐड किया है उसी जगह पे आपने ऐड कर देना है। अब हमारा जो मसाला है ये अच्छे से रेडी हो गया है। हम इसे निकाल लेंगे एक थाली में और इसे ठंडा होने देंगे। तो मैंने इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो जब तक ये ठंडा होता है हम क्या करेंगे कि पोहा ले लेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप पोहा लिया है और इस तरीके से मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है। इसमें पोहा डाल के सिर्फ हमने पोहा को गीला करना है, इसे हमने पानी में भिगो के नहीं रखना है, इसे सिर्फ गीला करेंगे और इसे भी हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो हमारा आलू और पोहा दोनों हमने रख दिया है 10 मिनट के लिए। अब यहाँ पे आलू भी ठंडे हो गए और हमारा पोहा भी रेडी है। तो अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक हमने पहले नहीं ऐड किया था। फुल पिंच हम इसमें हरी धनिया ऐड कर देंगे और जो पोहा है इसे मैं थोड़ा सा मैश कर लूँगी। इस तरीके से पोहा को मैश कर लें और इसे भी आलू में ऐड कर दें। ये जो पोहा है ये आलू में जो भी मॉइस्चर है वो इसे अब्सॉर्ब कर लेगा। तो उसे अब्सॉर्ब करने के लिए आप इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं या फिर ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चावल का आटा 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों के साथ। आलू में काफ़ी सारा मॉइस्चर होता है, तो जो पोहा और चावल का आटा हमने ऐड किया है ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले इसके लिए हमने 15 मिनट के लिए इसे सेट होने के लिए रख देना है। तो 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम टिक्की बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने अपने हाथों पर अच्छे से ऑयल लगा लेना है। फिर थोड़ा सा आलू का मिक्सचर लेना है और इसे हथेलियों पे अच्छे से राउंड शेप देते हुए इसे टिक्की का शेप देना है। आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी टिक्की बना सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी बड़ी बड़ी टिक्कियाँ बना रही हूँ। तो इस तरीके से आपने टिक्की बना लेनी है, बहुत ही स्मूथ बना है। तो ये मैंने दूसरी टिक्की भी बना ली। अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने के प्रोसेस में। टिक्की को हम डीप फ्राई भी कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले डीप फ्राई कर रही हूँ। डीप फ्राई करने के लिए हमें इतना ऑयल लेना है कि जो टिक्की है उसका आधा पोर्शन तेल में होना चाहिए। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हम टिक्की को अच्छे से फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक। 2-3 मिनट के बाद मैंने इसे पलट दिया है, आप देख सकते हैं एक तरफ से अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब दूसरी तरफ भी हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। दूसरी तरफ मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके शैलो फ्राई करने के लिए भी रख दिया है। शैलो फ्राई किया हुआ मैं मेरे मॉम डैड को दूंगी, क्योंकि मॉम को थोड़ा बीपी का प्रॉब्लम है तो मैं उन्हें ऑयल बहुत ही कम देती हूँ।
तो अब हमारी टिक्की जो है ये रेडी हो गई है। हम यहाँ पे सारी टिक्की को अच्छे से निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर पे। तो टिक्की हमारी रेडी है, हम सॉस तैयार कर लेते हैं। तो सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून मेयोनीज सॉस लिया है और 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर दूँगी रेड चिली सॉस। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये हम बर्गर के ब्रेड पे लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मेयोनीज सॉस रेडी कर लिया है। अब हम थोड़ा सा सलाद ले लेंगे, तो उसके लिए मैंने आधा टमाटर लिया है, आधा प्याज और आधा कुकुम्बर ले लिया है। अब हम बर्गर का जो पाव है इसे बीच में से इस तरीके से कट कर लेंगे। ये मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगा, अगर नहीं मिले तो आप किसी भी पाव से बना के खा सकते हैं। बर्गर की जो टिक्की है मेन वो है, अगर वो आपकी टेस्टी बनेगी तो आपका बर्गर बहुत टेस्टी बनेगा। पाव को टोस्ट करने के लिए मैंने 1 टेबल स्पून बटर लिया है। बटर में ये सारे पाव को अच्छे से टोस्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 पाव कट करके इसे तवे पे रख दिया है। 1 मिनट के लिए दोनों साइड से इसे पका लेंगे। पीछे के साइड इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, अंदर के साइड से थोड़ा ज़्यादा पकाएंगे। तो बस अब पाव रेडी है, हम इसे निकाल लेते हैं। तो सारी चीज़ें रेडी है, अब चलते हैं बर्गर बनाने के प्रोसेस में। तो पाव का जो नीचे वाला हिस्सा है इसे हम इस तरीके से रख लेंगे और इसके ऊपर आलू टिक्की रख देंगे। अब मैंने जो सलाद कट करके लिया था वो रख दूँगी। आप चाहे तो सिंगल पीस में कट करके टमाटर और प्याज भी रख सकते हैं सिर्फ, या फिर आप इसमें शिमला मिर्च को थोड़ा सा टोस्ट करके भी डाल सकते हैं। कई तरीके से बनाया जाता है, आप कैसे भी बनाइए बहुत टेस्टी लगेगा। अब मैंने यहाँ पे स्लाइस रख दिया है चीज़ की, और जो ऊपर वाला पाव का हिस्सा है इस पर मैं वो मेयोनीज सॉस लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून मेयोनीज लगा दिया है। अब इसे इसके ऊपर रख देंगे और बर्गर हमारा रेडी है। बहुत ही टेस्टी बर्गर बना है, फटाफट से आप भी बनाइए और खाइए। और मुझे कमेंट कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।